जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोफेशनल उत्तराखंड में। तो दोस्तों, सीएम धामी जी द्वारा जो है एक अपडेट दिया गया था कल, उसको लेकर जो है काफी बच्चों में भ्रांतियां फैली हुई है। यूके ट्रिपल एससी दांदली वाली सभी परीक्षाएं होगी रद्द, नियुक्ति पाने वालों की जाएगी नौकरी, सीएम धामी ने दिए सख्त निर्देश। भर्ती प्रक्रिया में उजागर हुई कमियों पर कड़ा रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री ने सभी दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाने पर जोर दिया है। कहा है कि दोषियों को चिन्हित कर उनकी गिरफ्तारी हो और उनकी अवैध संपत्ति को जब्त करें, गैंगस्टर एक्ट भी उन पर लागू किया जाएगा। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ऐसी सभी भर्तियां रद्द की जाएगी जिसमें गड़बड़ी के साक्ष्य मिले हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को इस संबंध में आदेश दिए। मुख्यमंत्री ने आयोग में भर्ती घोटाले के संबंध में बुधवार को उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भी की। भर्ती प्रक्रिया में उजागर हुई कमियों पर कड़ा रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री ने सभी दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाने पर जोर दिया। देखिए, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस किस भर्तियों पर जो है यहाँ पर रद्द होने का खतरा है, वो सभी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। इन परीक्षाओं के भी रद्द होने का है खतरा, तो देखेंगे। यहाँ पर ग्राम पंचायत अधिकारी परीक्षा है, विजिलेंस में मुकदमा दर्ज है। दूसरी है वन आरक्षी भर्ती परीक्षा, नकल के मुकदमे दर्ज हुए थे लेकिन बंद हो चुके हैं। तीसरा देखेंगे यहाँ पर सचिवालय रक्षक भर्ती परीक्षा, हाल ही में डीजीपी के आदेश पर एसटीएफ जांच में जुटी है। चौथा देखेंगे न्यायिक कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा, जो कि एसटीएफ जांच कर रही है। तो दोस्तों, ये कुछ परीक्षाएं हैं जो अभी रद्द हो सकती है। हालांकि इस पर मैं आपको अपडेट देते रहूंगा, तो जुड़े रहिएगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके अतिरिक्त जो और अन्य परीक्षाएं वो सुचारू रूप से जारी रहेगी और समय समय पर जो है उनकी परीक्षाओं का भी आयोजन होता रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।